अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उसे लेकर शहर में भी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर उनकी ओर से पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। उनकी पुलिस टीम की ओर से बड़े अच्छे ढंग से ड्यूटी निभाई जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके पुलिस अधिकारियों की ओर से अपने अपने क्षेत्र में कड़कड़ाती ठंड के बावजूद भी पूरी तनदेही से अपनी ड्यूटी की जा रही है और वे इन कर्मचारियों को उचित रिवॉर्ड भी देंगे। इस दौरान उन्होंने सभी शहरवासियों को इस पावन दिवस की शुभकामनाएं भी दी। वे उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस संबंध में भी उनके द्वारा स्पेशल ऑपरेशन के तहत चेकिंग की जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। तो मैं सारा इन्हों वाजिब रिवॉर्ड भी देवे। इस तो अलावा 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है, वो संबंध में असी स्पैशल जो ऑपरेशन साढ़े चल रहे हैं, वो असी एंटी सबटा चैकिंग भी करा रहे हैं और स्पैशल व्हीकल चैकिंग भी चल रही है साड़ी नाकों के उत्ते, और जोड़े होटल वगैरह या सरावान ने उन्होंने चैकिंग भी चल रही है जो छुपन वाले ठिकाने ने क्रिमिनल से। इस तो अलावा जो लिस्टा के मुताबिक साढ़े को बंदे है शक्की, उन्होंने उत्ते भी पूरी निगरानी रखी जा रही है। स्पैशल फोर्स असी सानू DGP साहब के ऑफिस वालों दिती गई है, वो 70 बंदे भी असी डिप्लॉय किए शहर की डोमीनेशन वास्ते अलग अलग नाकों के उत्ते। और इस तो अलावा जो नवा काम ऐतकी असी किया कि हरेक पुलिस स्टेशन के हरेक सब डिवीजन जोन के अपने ऑफिसर्स ने एक फ्लाइंग स्कॉड टाइप अपनी टीम बनाई है जिड़ी कि सिर्फ निगाह ही रखेगी कि कड़ा बंदा कितने गड़बड़ कर रहा और इमीजिएटली मगर पै के वो खिलाफ एक्शन होएगा। और आम लोगों ये मैं दसना चाहना कि जी टीम है ये सुरक्षा के मद्देनज़र ही बनाई गई हैं।